एक स्पून टाइप का मेरे पास कंपोनेंट है, राइट। और ये मैं यहाँ से इंपोर्ट करके लेके आया हूँ, यहाँ पे आ गया है ना, क्योंकि यहाँ का बना हुआ तो है नहीं है। अब हम इसका मल्टी कैविटी का मोल्ड बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो इसको किस तरीके से लेंगे वो हम देखेंगे। तो हम क्या करते हैं, ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। अब अगर आप चाहो तो इसको मूव कर लो, है ना। बाई डिफ़ॉल्ट जो होगा ये इस कोऑर्डिनेट से इतनी दूरी पे नहीं होता, है ना, इसके पास ही होता है। तो क्या करते हैं, इसको इसके पास अगर अपने आप से आ रहा है तो कंट्रोल डी किया मैंने, ऑसिलेट करा, और अब आप लाओगे तो ये इसके पास आ सकता है सेंटर पे, या जहाँ पे भी रखना चाहो कर सकते हो। ये डिफ़ॉल्ट पोजीशन इसकी ऐसी होती है, जब हम किसी कंपोनेंट को बनाते हैं तो ओरिजिन उसके ऊपर ही होता है, क्योंकि हम बोलते हैं ना कि ओरिजिन उसके साथ ही होना चाहिए, ओरिजिन दूर नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके की कंडीशन में होगा, लेकिन जब हमें मल्टी कैविटी चाहिए होता है तो मल्टी कैविटी में क्या करना पड़ेगा, आपको इसके बीच में कुछ गैप देना पड़ेगा ताकि ये उसके साथ मैच हो पाए। जब इसके अंदर प्लास्टिक मॉल्टन मेटल आता है और बोर होता है तो क्या, तो सेंटर से आके गिरता है, ठीक है। अब आपको ये देखना है, ये जो सेंटर है ये बिल्कुल बीच में रहना चाहिए, क्योंकि जो मशीन का नोजल है वो इसी सीध में आता है, स्क्रू बुश यहाँ पे ही आके टच करेगा इसकी एक्सिस में। तो यहाँ से आप इसे कितनी दूरी पर रखना चाहते हैं वो आप देख लीजिए, ठीक है ना। वो कैसे हमें देखना है, मैं एक बार ये देखता हूँ कि दूरी है कितनी इनके बीच की। तो यहाँ से जाते हैं और मैंने इसे करा प्रोजेक्टेड डिस्टेंस ये वाला, और ये वाला प्लेन, और ये वाला कर्व, ठीक है। ये 54 के आसपास का बैठ रहा है ना, तो 54 तो बहुत ज़्यादा है, थोड़ा कम कर देते हैं। तो इसको इसके पास लेके आते हैं पहले, और फिर हम अलग इसका अलाइनमेंट बना देते हैं, कंट्रोल डी। इसको सिलेक्ट किया और 54 था, तो यहाँ से यहाँ तक मैं लगभग 15 mm छोड़ देता हूँ। तो 54 - 15, राइट। तो ये इसके पास पहुँच गया, और ओके, और मूव ओरिजिनल है तो ओरिजिनल ही मूव हो गया आ जाता है। ये अलाइनमेंट का सीधा ठीक आ रहा है। अब इधर से आप इधर से देखिए, यहाँ से भी ये ऊपर बीच में कहीं पे आ रहा है, इसे चाहे तो इसे भी हम ऊपर कर सकते हैं, ऊपर भी बना सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट करते हैं और कंट्रोल टी फिर से कर दिया, और इसे मैं मूव करता हूँ। या तो आप डायनेमिकली कर लीजिए अगर दूरी पता है तो, ठीक है, नहीं तो मैं पॉइंट टू पॉइंट करूँगा, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट में भी नहीं हो पाएगा, है ना। मुझे यहाँ से अंदाजे से ही लेना पड़ेगा, या पहले दूरी को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हमने किया कैंसिल, हमने कहा एक काम करते हैं दूरी पहले देख लेते हैं। तो यहाँ से जाके हम ले लेते हैं ये वाली डायरेक्शन, प्लेन हमारा ये हो गया, और दूसरा प्लेन मैंने ये ले लिया, ठीक है। ये आ गई डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को मैं डिस्प्ले रिजल्ट शो इन्फॉर्मेशन विंडो, ठीक है, इन्फॉर्मेशन विंडो में आ जाएंगे। और ये जो दूरी थी वो ये वाली है, इसे मैंने क्लिक करके कर दिया कॉपी, राइट, अच्छे से कैंसिल कर दिया। अब कंट्रोल टी यूज़ करते हैं, एक कंट्रोल टी हमारा बहुत बार बार यूज़ होता है, चाहे तो उसका शॉर्टकट यहाँ पे ऐड कर लीजिए। तो यहाँ से जाएंगे कस्टमाइज में, और यहाँ से होता है इसको बोलते हैं मूव, मूव ऑब्जेक्ट, ये ड्रैग करके यहाँ कर देते हैं, ठीक है। और इसको आप यहाँ से जाएंगे रोल में, रोल एरा, और रोल में जाके इसे कर देता हूँ सेव। तो ये कमांड इसके अंदर सेव हो गई। अब यहाँ से क्लिक करिए, क्लिक किया, और इधर वाले डायरेक्शन में कितना कंट्रोल व्यू और एंटर, ठीक है, तो ये उतना ही ऊपर आ गया जितना मुझे चाहिए था। अब क्या करेंगे, आप ये तो बीच में आ गया ना, अब मुझे दो, एक इधर और एक इधर चाहिए, और ऐसे ही तीन इधर, मतलब 6 कैविटी का मोल्ड बनाना चाह रहे हैं। तो एक तो तरीका ये है कि मैं इसको कर दूँ क्या, यहाँ से पैटर्न हो जाएगा। पैटर्न में ये पैटर्न फीचर आ रहा है, क्लिक किया, और ये कह रहा है, ये एक मिनट चेक कर लेते हैं, राइट, और ये रिव्यू करके देखिए, नहीं हो पा रहा, ठीक है ना, क्योंकि हमने इसे मूव कर दिया ना। तो अब ये नहीं चलेगा, अब इस पर चलेगा पैटर्न ज्योमेट्री। तो हम ले लेते हैं यहाँ से पैटर्न ज्योमेट्री, इसको सिलेक्ट करिए, और डायरेक्शन ये वाली, और कितनी दूर जा रहा है, इतनी दूर नहीं जाना है, इसके पास ले आते हैं। और एक बार दूरी इनपुट करने के बाद आप इसको चेंज नहीं कर पाएंगे, इसको ध्यान रखिएगा। तो 40 ले लिया और सिमेट्रिक कर दिया, तो दोनों साइड 40-40 हो गया, और कर देते हैं अप्लाई। और एक बार ये देख लीजिए कि इनके बीच का गैप आ कितना रहा है ना, ये वाला गैप
कितना आ रहा है, क्योंकि कोर और कैविटी को कट करने के लिए भी हमें दूरी चाहिए होगी। तो यहाँ से ले लेते हैं, तो देखिए डिस्टेंस में ये वाला कर्व ले लिया, और यहाँ से यहाँ के बीच का 11 है, ठीक है। तो 10 के डायर का टूल आराम से चल जाएगा, तो गैप सही है और कुछ रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो वो भी बन जाएगा। अब इन सब को हम कर देते हैं यहाँ से वापस जाके मिरर ज्योमेट्री। मिरर ज्योमेट्री के लिए यहाँ से चलते हैं मिरर ज्योमेट्री। अब इसके अंदर जैसे हमें बार बार चीज़ें यूज़ करनी पड़ती है ना, यहाँ पर मिरर तो आ नहीं रहा, मिरर ज्योमेट्री आपको मिल नहीं रहा, तो उसको भी मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। आप इसे ऐड कर लीजिए जो जो चीज़ें आपको बार बार यूज़ हो। मिरर असेंबली आ रहा है, मिरर ज्योमेट्री ही ज्योमेट्री लिया और इसको भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। अब मिरर ज्योमेट्री करेंगे और 1 2 3 प्लेन ये वाला और हो गया, ठीक है। अब इसका 6 कैविटी का मोल्ड हम लोग बनाने वाले हैं। यहाँ तक सिंपल हो गया जो हमें काम करना था, यहाँ पे आ भी गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से जाते हैं स्टार्ट और स्केच करेंगे इस वाले प्लेन पे। एक्सेस आप ले लीजिए और यहाँ से जाके लेते हैं मतलब, और एक सेंटर ले लेते हैं, ये दूरी मैंने यहाँ तक ले, ठीक है। अब इसका अंदाज़ा हम कैसे लगाएंगे कि कितना बड़ा हमें लेना है, तो देखिए यहाँ पे हमें दो चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। एक तो यहाँ पे इंटरलॉकिंग आएगी, इंटरलॉकिंग बनेगी और इसी के ऊपर ही हमारा गाइडिंग पिलर आएगा, गाइडिंग बुश यहीं पे लगेगा, तो उसके लिए भी मुझे स्पेस चाहिए। तो मैंने क्या किया, एक रेक्टेंगल बना के देखता हूँ सिंपल वाला, और उसका साइज लगभग क्या आ रहा है, 30x30 25x25 के आसपास का, ठीक है। तो गैप ही मुझे ठीक मिल रहा है। एक काम कर लेते हैं, इनको कर देते हैं इक्वल, इसको सिलेक्ट करिए और इसको सिलेक्ट कर दीजिए मेक इक्वल, ठीक है। और ये इस लाइन से मिलना चाहिए, और ये जो सेंटर पॉइंट है ये इस वाई एक्सिस के साथ कर दीजिए अलाइन, और फिर एक्स के साथ ये ऑलरेडी अलाइन है। अब ये क्या कर रहा है, ये नीचे जा रहा है देखो, है ना, क्योंकि यहाँ पे मुझे दो बार दिखा था 24 24, इस वजह से मुझे पता लगा कि इससे मैच नहीं हो रहा। ओके, अभी डैमेजेस की हम करते हैं, तो इसको पहले डिफाइन कर देते हैं। इसको मैंने 25 कर दिया, 25 के आसपास का ही हो गया। अब इधर ना बोल्टिंग भी लगेगी, तो या तो आप क्या करिए, इसको और इसको अगर मैं दोनों को कर देता हूँ इक्वल, राइट, तो भी काम बन जाएगा। और इसे कर देते हैं हम 225 का मोल्ड जाएगा, ठीक है। बाद में लगेगा भाई, रिक्वायरमेंट ऐसी लगेगी तो हम इसको कम्प्लीट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी, अब इसे कर देते हैं फिनिश और एक्सट्रूड कर लीजिए और इन पर करके जगह हम कर देते हैं कनेक्टेड कर। और ये जो प्लेट रहेंगे ना, अब 20 की रख लीजिए इधर और 20 की ही मैं नीचे रख लेता हूँ, और सफिशिएंट है। अब प्लेट ज़्यादा बड़ी होगी, बस थोड़ा सा आपको क्या सोचना है, प्लेट अभी जो है, एक बार इसको वायर फ्रेम में करता हूँ मैं ना, मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। यहाँ से गए व्यू में, और व्यू में जाके मैंने इसे कर दिया एडिट डिस्प्ले में, और इसको भी ट्रांसपेरेंट कर दिया। अभी देखिए मैं क्या कहना चाहता हूँ कि ये जो है, ये दो प्लेट बनेगी, एक ऊपर की और एक नीचे की, 20 mm की ऊपर की, 20 mm की नीचे की, और यहाँ पे गैप भी चाहिए, है ना। मैंने कहा था पूरी के लिए भी गैप चाहिए होता है। अब नीचे वाली में भी गैप हम ले लेते हैं, ऊपर चाहे तो थोड़ा ज़्यादा कर दीजिए, नीचे थोड़ा कम कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर मेरा कैविटी वाला एरिया है। तो यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं कि गैप कितना बच रहा है या इसकी हाइट है कितनी। तो आप यहाँ से एनालिसिस में जाएं और क्लिक किया हमने, और हम लेते हैं इसकी डायरेक्शन ये वाली, और पॉइंट है हमारा ये टॉप वाला, और ये 12 mm का गैप बच रहा है। तो फिलहाल के लिए तो कम है, क्योंकि 10 mm का या 8 mm का इसका लगा देंगे तो, है ना, थोड़ा सा इस साइड में हम बढ़ा लेते हैं। तो सिमेट्री की जगह आप इसे वैल्यू कर दीजिए, ठीक है जी। और इधर वाले एंड पे ये 20 की जगह मैंने 25 कर दिया, इधर आप 25 भी दीजिए, इधर 20 भी काम कर जाएगा और ओके, राइट। अब हमें इसे कट भी करना होगा और सब्सट्रैक्ट भी करना होगा। तो पहला काम
अच्छा अब देखिए यहाँ तक आ गए हम, हमने एक चीज़ नहीं करी क्या कि हमने जो मॉडल था हमारा उसको स्केल करना था, वो स्केल हमने नहीं किया। Z ऑलरेडी यहाँ पे ठीक था, Z जो है वो Z ठीक था क्योंकि वो इधर ही आएगी, तो Z को इसलिए हमने चेंज नहीं किया। लेकिन स्केल इसको अप्रूव करना था तो आप पीछे जाके फिर इसको स्केल कर सकते हैं, राइट। लेकिन ये ऑलरेडी जो मॉडल था स्केल करा कराया ही था क्योंकि ये मेरे पास स्केल भी नहीं आया था, तो स्केल के साथ था। आप इसे लेते हैं सबस्ट्रैक्ट और सिलेक्ट करते हैं और एक बॉडी ये है अप्लाई, फिर ये वाला अप्लाई और फिर ये वाला अप्लाई, ये वाला अप्लाई, तो ये सारे मैंने इस कंधे से सब्सट्रैक्ट कर दिए हैं। और इसको अलाइन करने का क्या फ़ायदा हुआ, मैंने क्या किया था, ये जो बीच में लेके आया ना इसका क्या फ़ायदा होगा, पार्टिंग लेना आसान हो जाएगा। अब आप यहाँ से जाएं, इसको सिलेक्ट किया पूरे को, ओके, और इसे हम करते हैं यहाँ से स्प्लिट, इसको स्प्लिट करेंगे और ये वाला सरफेस और ओके, ठीक है। इधर वाले में तो मुझे कुछ नहीं करना, इसको आप हाइड कर दो और ये अभी ये सब ना सब हाइड हो गया, सब हाइड नहीं करना था, वापस करते हैं एंडू और यहाँ से आप करिए सॉलिड, ये सॉलिड वो कर देते हैं, ठीक है। अब नीचे का बच गया, अब ये जो पार्ट है ये जो है ना सब अलग अलग हो रहे हैं, ठीक है ना, तो ये सब अलग नहीं होना चाहिए, ये सब इसका जुड़ना चाहिए और इसे करते हैं हम यूनाइट, इसको इसके साथ जोड़ दिया गया, ठीक है। तो ये हमारी कोर साइड होगी और दूसरी वाली साइड जो है हमारी कैविटी साइड होगी, और ये पार्ट हमने लिया है, इसको एक बार सेव कर दिया जाए, इसमें ये ऑलरेडी है, मुझे लग रहा है इसी के अंदर से ही मैंने ये पार्ट को लिया है, तो इसको हम यहीं पे डायरेक्टली सेव कर देते हैं, तो ये इसी में अपडेट हो गया होगा। तो मेरा कोर हो गया, कैविटी हो गया, अब इधर ये जो है ये भी मुझे चाहिए, ये है हमारा इंटरलॉकिंग और रीजन बाउंडिंग का, और इसको 10 ले लीजिए, सफिशिएंट है, और जोड़ना इसे नहीं है तो नन। अब कल जब किया था तो प्लेन ना बीच में नहीं था, अब यार बीच में रखने का फ़ायदा क्या होगा, आप इसको मिरर कर सकते हो, ठीक है, मिरर ज्योमेट्री कर दो या मिरर फीचर करके, दोनों ही काम कर जाएंगे इस केस के लिए। ये पैटर्न है, सॉरी आपको लेना है यहाँ से मिरर, मिरर ज्योमेट्री यहाँ पे भी था, मिरर फीचर इसे करेंगे, प्लेन एक हो गया अप्लाई और फिर लेकिन ड्राफ्ट भी करना था ना, तो पहले इसे ड्राफ्ट कर देते हैं और यहाँ से आप लीजिए ड्राफ्ट, और ड्राफ्ट करते हैं इस वाली एज को, एज तो यही है, एज ये है और एक एज ये है, यस ओके, और प्ले प्ले पांच का और ओके, राइट, इसको अप कर लेते हैं मिरर फीचर, इसको अप्लाई। अभी जब मिरर कर रहे हैं तो एक ही चीज़ मिरर हुई है, हमने कहा ऐसा नहीं मिरर करेंगे, लेकिन मिरर के साथ मुझे चाहिए ये तीनों फीचर। अब अगर मिरर करेंगे तो अप्लाई और फिर ये सब इस प्लेन के अबाउट, राइट, स्केच भी कर दीजिए हाइट और कंट्रोल शिफ्ट के इस वाले को ले आइए, ये भी आ जाएगा आगे। अभी क्या करना है, सब्सक्राइब करना है इस वाले में से, कट हो गया होगा और इसको कर देते हाइड, अभी पूरा एक साथ जा रहा है, सॉलिड बॉडी हाइड, इन सबको जोड़ देते हैं, ज्वाइन हो जाएगा, तो यहाँ से जाए ज्वाइन, ओके ज्वाइन,
ठीक है, और ऊपर का भी मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से देखिए रहा, ठीक है, इंटरलॉकिंग एक से कट हो रही है और वहाँ पे बन रही है। अब कैंसिल, इसको वापस ले आते हैं। तो एक हमारा फोर साइड हो गया और एक कैविटी साइड हो गया, ये तो हमने कर दिया। सर वो जो हैंडल किस में कटा है सर? हैंडल कटा है हमारा कैविटी वाले में, ये मैं आपको नीचे का हाइड कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम रनर बना देंगे। चलिए, तो हमने रनर नहीं किया था तो रनर देख लेते हैं, है ना। इस वाले में पहले रनर बना लेते हैं, यहाँ से जाते हैं और इसे हमने सेलेक्ट किया और ये लेते हैं। अब जब ऊपर से मेटल आएगा और इसमें लगेगा तो उसके लिए क्या, ठीक है, देखिए रनर जो बना रहे हैं, रनर और गेट सिस्टम, तो रनर में आप देखिए हमारे पास जितनी भी कैविटी हैं इस टाइप से हम इसके अंदर रनर बना सकते हैं। अब इसमें क्या है, रनर में 1.5 टाइम ऑफ वॉल थिकनेस, वॉल थिकनेस का 1.5 टाइम रहता है हमारा। और इधर देखोगे ये वाला रनर है, ये वाला सब रनर है, ये वाले, और यहाँ पे ये गेट है और गेट ये एक दो तीन चार अलग अलग टाइप के लगा रखे हैं, एक ही लगता है, ये जस्ट समझाने के लिए बताने के लिए है यहाँ। और यहाँ पे इस वाले पे ये एक्स्ट्रा क्यों बना रखा है, क्योंकि ये है कोल्ड स्लग, कोल्ड स्लग जो कचरा वचरा या कुछ ठंडा मेटल बीच में रुक जाता है, जब मोल्ड ओपन और क्लोज होता है तो वो आखिरी में इधर आके रुक जाता है, वो इधर आ जाता है, उसके लिए कोल्ड स्लग को छोड़ा जाता है, ठीक है। अब इस वाले में भी आप देखोगे तो ये स्क्रू गुज दिखा है, ये हम इसे बॉटम से देख रहे हैं ना, अगर बॉटम की तरफ से देख रहे हैं तो ऊपर की तरफ ये चला गया हमारा स्क्रू बुश, जो कि आके से टकराएगा और फिर इंप्रेशन में ही फिल हो जाएगा, ठीक। सर ये जो 1.5 टाइम्स ये क्या है? 1.5 अभी बताता हूँ आपको। यहाँ पे आप आते हो तो ये सेम वे वाला आ गया, इसमें कई सारे क्रॉस सेक्शन है, ये है, ये है और ये, ठीक है। ये वाला हमारा सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, ये पैराबोलिक क्रॉस सेक्शन है, ये ट्रेपेज़ॉइडल क्रॉस सेक्शन है, तो क्रॉस सेक्शन और उनके बीच में ये जो रेशियो है ये मेंटेन रहना चाहिए जो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कोल्ड स्लग वॉल, कोल्ड स्लग वॉल नीचे भी दी जाती है, स्लग वॉल यहाँ पे है, स्लग वॉल यहाँ पे है, ठीक है, और इधर भी, इधर भी, ये सब कोल्ड स्लग वॉल ही कहलाती है। अच्छा, और वापस आ गया, अब ये जो है ये है 1.5 टाइम ऑफ वॉल थिकनेस, तो ये जो हमारा आ रहा है रनर, ये वाला और ये वाले में 1.5 टाइम का डिफरेंस रहेगा, ठीक है। तो ये वाला हमारा थोड़ा छोटा रहता है और जो मेन वाला रहता है वो थोड़ा सा बड़ा रहता है, जनरली इस तरीके से रहता है, और बाकी सेम भी देते हैं कई सारी जगह पे, ठीक है ना। तो चलिए इसको बनाते हैं और इसी टाइप का सिस्टम हम इसके अंदर बनाने वाले हैं। अब इसके अंदर ले लेते हैं हम, तो हमने क्या किया, एक लाइन लिया और ये पॉइंट और ये वाला जो पॉइंट है ऑरिजिन, इसको मिला देते हैं। अब यहाँ से आप लाइन ले लीजिए और लाइन मैंने ली, ठीक है, लगभग दोनों को मैच कर दिया, हल्का सा छोटा कर सकते हैं पर कोई बात नहीं, अभी इससे काम चल जाएगा। और फिर से लाइन ले लेते हैं, राइट। अब ये जो कोल्ड स्लग है ये 1.5 टाइम है, तो डी हम इसका 8 का रखने वाले हैं, तो 8 बचा 12, तो ये 12 एम एक्स्ट्रा जाएगा, ठीक है। यहाँ से आगे 12 एम एक्स्ट्रा होना चाहिए, तो यहाँ से ये पिक किया, ये वाला हमारा 1.5 टाइम है, तो ये हो जाएगा 12 का, इसे 12 से ज़्यादा नहीं छोड़ना आपको, है ना, और ये इक्वली है, दोनों साइड में इक्वल चला जाएगा। इसे कर देते हैं फिनिश, और अब इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे ट्यूब, और ट्यूब में चले जाते हैं और ट्यूब हम ले लेते हैं 8 एमएम का, और पिक किया हमने यहाँ पे चाहिए और अप्लाई, फिर इसे पिक किया अप्लाई। अभी इसके हिसाब से 8 ना ज़्यादा बड़ा ही लग रहा है, लेकिन फिर भी मेन तो हमने 8 का कर दिया, और बाकी ये जो बचे हैं इनको 6 का ले लेते हैं, ये 6 का हो जाएगा, ये 6 का हो जाएगा अप्लाई। एक बार में आप एक ही ले पाएंगे, एक से ज़्यादा को ले नहीं पाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा अभी ये ना बिल्कुल इससे टच कर रहा है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से लेते हैं ऑफसेट रीजन और इसको मैंने कर दिया यहाँ से 1, और 1 को कर देते हैं रिवर्स में, तो ये हल्का सा छोटा हो जाएगा ताकि इसके ऊपर हम लगा पाएंगे गेट, ठीक है। इधर से भी सेम यही काम करने वाला हूँ मैं,
क्योंकि गेट के लिए भी स्पेसिंग छोड़नी होगी, गेट के लिए स्पेसिंग जाएगी। और ये एक दो तीन चार इन सबको आप लग लीजिए लाइट, ओके। और फिर यहाँ पे चाहिए थ्री का रेडियस, इधर थ्री का, थ्री का, थ्री का, और अप्लाई। और इधर वाले पे हमें अब मिल जाएगा कितने का, एट के लिए आता फोर मिल रही है, और इधर वाला भी फोर मिल रही है, ओके, ठीक है, सही है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे आप, इसे करेंगे सब्सट्रैक्ट, यहाँ से सब्सट्रैक्ट इसमें से इसको, ओके, कीप द टूल करेंगे। अगर आप जब हटा के देखेंगे ना तो देखिए हमारा, ठीक है, पैर अंदर के लिए कटिंग हो गई। अब सेकंड वाली साइड जो है, सेकंड वाली साइड भी चाहिए मुझे, इसको भी मैंने शो किया। और करते हैं सब्सट्रैक्ट, इसमें से ये जो ट्यूब वाला रनर है इसको कट, तो ये दोनों में से कट हो गया है। अब अगर आप चाहें तो इसे हटा दीजिए, इसे हाइड कर दीजिए, उसकी हमें जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें बना हुआ नहीं होगा, वो कटा हुआ नहीं होगा। अब आ जाते हैं इसके टॉप पे, टॉप प्लेट बनाने के लिए, टॉप प्लेट उधर से मिलेगी हमें, इस वाले फेस पे जाइए और एक रेक्टेंगल ले लेते हैं। ये जो लाइन है और ये पॉइंट है, इन दोनों का हॉरिजॉन्टली अलाइन करें, इसको पिक करिए, इसको पिक करिए, हॉरिजॉन्टली अलाइन। और याद रखने वाली बात क्या है, इसके और इसके बीच का गैप जो है ये लगभग आपको 25 के आसपास रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या होगा, ये मशीन के साथ क्लैंप होगा, क्लैंप के लिए आपको मिनिमम एक इंच की जगह तो चाहिए चाहिए होती है, तो हम इसे 25 इंच से कर दिया जाता है। और ओके, और ये हमारा हो जाएगा टॉप प्लेट, और इसके आगे क्लिक करिए, इसको भी ले लेते हैं, 15 का 20 की प्लेट लीजिए, 20 की प्लेट भी ले ली, अब इसके अंदर अगर हम बनाना चाहते हैं तो स्क्रू बुश बना सकते हैं, ठीक है, और लोकेटिंग रिंग जो होगी ऊपर वाली वो भी बना सकते हैं, पर वो हम बनाएंगे कल, है ना, आज नहीं बनाते। इसके बाद नीचे चले जाते हैं, तो हमारे पास हो गया क्या, टॉप प्लेट हो गई, फिर कैविटी प्लेट हो गई, कोर प्लेट हो गई, अब कोर प्लेट बाची, कोर बैक प्लेट, कोर बैक प्लेट मैं डायरेक्टली बना लेता हूँ यहाँ से, और यूज़ कर लेता हूँ मैं फेस एजिस, तो फेस की एजिस, फेस की एजिस वाली, और ये हो जाएंगी 20 और राइट। इसके बाद इसकी हाइट जो है ना बहुत थोड़ी सी है, तो ये हाइट मुझे देखनी पड़ेगी, इसके हिसाब से हमें रनर की हाइट निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ से लेते हैं रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल में जाके इसको लेंगे, रेक्टेंगल अब इधर से ये जो है ना प्लेन सी से आया प्रॉपरली, तो हम काम यहाँ से लेते हैं, और ये प्लेन बीच का पिक कर लिया हमने, अब यहाँ से लेते हैं रेक्टेंगल, ये स्पेशल ब्लॉक के लिए, और ये वाला भी हमारा स्पेशल ब्लॉक लेगा, और दोनों को सिलेक्ट किया और इक्वल कर देते हैं, ये भी और ये भी इक्वल कर दीजिए, ठीक है। इसकी हाइट हम अभी बाद में एडजस्ट करेंगे, यहाँ से आपको लीन रहेगी उसके बाद वो आएगी, ठीक है। इसकी ग्रेथ भी मैंने अभी ली नहीं है, हमारा ग्रेथ 30 आ रही है, चल डिफाइन कर देता हूँ 30, ओके, फिनिश। ऐसे करते हैं एक्सट्रूड, और ये हमें चाहिए कनेक्टेड कर ये पूरा, और कनेक्टेड कर ये वाला पूरा, और ऐसे करते हैं सिमेट्रिक, और दोनों साइड आएगा, और सिमेट्रिक भी क्या वैल्यू ले लेता हूँ, और वैल्यू में करता हूँ फ्यू डेज, ठीक है, तो फ्यू डेज से भी आ जाएगा, और यहाँ से वैल्यू में आऊँगी तो वापस आपको मिल जाएगा, ठीक है। उधर भी लेते हैं 1.2.5, नन रखना है ताकि जुड़ ना जाए। अब इसके पीछे की तरफ बनेगी हमारी सेम ये वाली प्लेट, तो बैक प्लेट हो जाएगी, बॉटम प्लेट हो जाएगी, और रेक्टेंगल ले लेते हैं, और
और इसे कर देते हैं फिर से इसे कर लीजिए जीरो और आप इसके अंदर से बचा हुआ हमारा इजेक्टर पिन और रिटेनर पिन। अब इसको जाते हैं से और इस वाले पेज पर जाएंगे और शो नहीं हो रहा तो उसे बाहर कम कर देते हैं और रेक्टेंगल लेते हैं यहाँ से क्लिक किया यहाँ से यहाँ तक और मैंने आपको बोला था कि ये वाला गैप के बाद कम एम के आसपास हम कर सकते हैं रेंज के लिए रख देते हैं। कुछ लोग 0.5 भी यूज़ करते हैं खाली पेट कम यूज़ कर देते हैं खाली कर सकते रेंज के लिए और ये हो गया हमारा फिनिश शेडिंग ऑन और एक्सट्रूडेंस ले आते हैं और ये वाला हमारा पूरा हो गया ठीक है। इसे 20 कर लेते हैं 15 कर लेते हैं छोटा ही बोल 15 का भी काम कर जाएगा और सेम फिर दोबारा से एक बार और इसको बचे यहाँ से तो आप यहाँ से ले लीजिए 20 एज और ठीक है नन नन मार दो ये हमारा बन गया ठीक है। तो इसके अंदर अब बाकी जो चीज़ें बची हुई है ये हाइट कितनी आ रही है ये हाइट कैलकुलेट करेंगे ताकि ये फोल्ड पर आ जाए ठीक है। और इसके अंदर हमें और चाहिए होगी ऊपर से लोकेटिंग रिंग लगा लेंगे और बुशिंग के लिए कट कर लेंगे बोल्टिंग को कल कर लेंगे ठीक है। तो बाकी जो काम बचा हुआ है वो हम कल देख लेंगे और ये वाला मोल्ड हम कल कंप्लीट कर देंगे ठीक है। ये मल्टी कैविटी के लिए हो गया इसको सेव कर लेते हैं।